एटा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खाना खाने के बाद 75 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां दो छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी छात्राओं की स्थिति सामान्य है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। खाना जो रात को खाया था कैसा था? रखा वो खराब खाना था क्या? अच्छा नहीं था। खाना अच्छा नहीं था? आपने आपने कहा शिकायत की कि खाना अच्छा नहीं दिया? सर हमने मैम खा लिया, फिर मैम से बोला था खाना बनाती हूँ, उनसे बोला था हमने मैम आज तो आपकी दाल ऐसी लग रही है, तो सोया की बनी रखी है कि नहीं बेटा शाम को ही बनाई है। 75 छात्राओं के बीमार होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। एटा से संजीव गुप्ता, पंजाब केसरी टीवी।